हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यस बच्चों हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है टी वाई के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अब बच्चों इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ़ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने देखा वॉट आर द काजेस रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और अगर कॉजेस देखा तो उसके साथ साइमल्टेनियसली क्वेश्चन आता है कि वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आज हम इसके लास्ट और थर्ड पार्ट में देखेंगे कि वॉट आर द मेजर्स टेकन बाय अवर गवर्नमेंट टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन अ वेरी इजी वे हैज़ यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटिव न जब हमने देखा था कि इस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के पीछे बेसिक रिस्पॉन्सिबल कॉज क्या है तो उसमें एक कॉजेज़ में से हमने एक कॉज डिस्कस किया था कि देयर आर नॉट प्रॉपरली मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट उसके ऊपर रेमिडियल मेजर्स कम ले रही है लेकिन आज हम देखेंगे कि हाँ गवर्नमेंट ने साइमल्टेनियसली बहुत सारे एफर्ट्स भी डाले हैं हाँ उनको इम्प्लीमेंट करते समय अगर कोई केयरलेस अगर हम लोग कहीं पे निगलिजेंस दिखा देते हैं पोल्यूशन को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमने देखा ये एक डी मैरिट हमारे लिए गुड्स है यानी वो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एंटायर इकोनॉमी के लिए क्रिएट करता है और वो इफ़ेक्ट्स हमने देखा ह्यूमन हेल्थ पे भी है हमारे जो पूरा ग्रीन कवर है फॉरेस्ट है उन पे इफ़ेक्ट आता है वाइल्ड लाइफ है उन पे इफेक्ट आता है बहुत सारी स्पेसीज़ हैं एक्सटेंड होती जा रही हैं तो ये सब हमने उसके देखा कि साइड इफेक्ट है लेबर की प्रोडक्टिविटी देखें या हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी देखें वो कम हो रही है या हमने ऐसे बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखा जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल जो हमारे मैड मैन मेड जो डिस्ट्रक्शन है और नेचुरल मेड मैन डिस्ट्रक्शन है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है तो ये सब पोल्यूशन के साइड इफेक्ट हैं बच्चों लेकिन इनको कंट्रोल करना इट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ द गवर्नमेंट इसके लिए टाइम आफ्टर टाइम गवर्नमेंट ऐसे रेमिडियल मेजर्स लेने की कोशिश करती है लेकिन वो थॉट वो इंस्पिरेशन हमारी इकनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकनॉमी में जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट ऑफ 1948 वो बनाया गया वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हम करें यानी डिस्पोजल कैसे हम अच्छी तरह से हर एक जगह पे सेग्रीगेशन ऑफ जो वेस्टेजेस हैं कैसे हम मैनेज करें कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करें ये इसका रिसाइकलिंग कैसे करें वो प्रॉपरली किया जाता है लेकिन वो जो इंस्पिरेशन है वो हमें कहाँ से मिलता है वो इंस्पिरेशन हमें मिलता है जब ह्यूमन एनवायरनमेंट पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग कंट्रीज़ में कंडक्ट की जाती है ख़ास करके यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लिए गए और उनमें से जो एक्ट वो फॉलो करते हैं जो रेमेडियल मेजर्स लेते हैं हमारी इकनॉमी भी कोशिश करती है ऐसे रेमेडियल मेजर्स को हम फॉलो करें इसके लिए हर साल हम ऐसे एफर्ट्स लेते हैं कि हमारी इकनॉमी में इस तरह की क्लीन टेक्नोलॉजी उसको हम लोग एडॉप्ट करें और जब क्लीन टेक्नोलॉजी आती है तो बटे नेचुरल हमारी इकोनॉमी में पोल्यूशन का इफेक्ट रिड्यूस होने लगता है तो वो एक बेटर ऑप्शन होता है तो हमने शुरुआत की यानी हमने कोशिश की बहुत सारे गवर्नमेंट के मेजर्स लिए ताकि हम अपने इकनॉमी में इन्वामेंट को कम कर सकें अब ऐसा ही उन्होंने शुरुआत कब हुआ हमारी शुरुआत हुई 1974 से 1974 में हमने पहला पहला एक्ट जो था वो पास किया लेकिन उसके पीछे बेसिक कॉज क्या था बच्चों पहले वो सुन लेना बेसिक कॉज ये था कि यूनाइटेड नेशन एक एनवायरनमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस जो थी वो स्टॉक हॉल में उन्होंने कंडक्ट की 1972 में यानी फॉरेन कंट्री में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जो है वो एनवायरनमेंट पे उन्होंने कंडक्ट किया उसमें काफ़ी जो है उन्होंने डिफरेंट रेमेडियल मेजर्स को सजेस्ट किया उन सजेशंस को अडॉप्ट करके हमने अपने इकोनॉमी में अपने एक्ट को पास करना शुरू कर दिया जैसे हमने पहला पहला एक्ट जो था वो वाटर एक्ट करके देखा आज भी हम देखते हैं ये सिर्फ एफर्ट्स हमने सिर्फ वहाँ से नहीं ली आज भी हमारी इकोनॉमी में ग्लोबल लेवल पे जितने एफर्ट्स लिए जाते हैं हम भी कोशिश करते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी में वही एफर्ट्स को हम फॉलो करें यानी वही जो स्टैंडर्ड्स फॉरेन कंट्रीज फॉलो करती हैं सेम स्टैंडर्ड वी विल ट्राई टू इन अवर ओन कंट्री स्पेशली डब्ल्यू यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो भी पोल्यूशन पे काफ़ी सर्वे करती है वो भी मॉनिटर करती है उनको भी लगता है कि जब हम अपने इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया पोल्यूशन के मामले में एथ रैंक पे है बच्चों यानी इतना पोल्यूशन है डब्ल्यू एच ओ की एक मीटिंग में उन्होंने दिखाया था कि इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड लेवल पर ट्वेंटी पोल्यूटेड सिटीज़ को उन्होंने लिस्टेड किया अब उस ट्वेंटी सिटीज़ में से फोटीन सिटीज़ अनफॉर्चुनेटली इंडिया की है उस समय आपके इसमें बुक्स में दिया गया था कि वो जो सबसे टॉप लिस्ट पे था वो था कानपुर लेकिन अगर एट प्रेजेंट हम देखें बच्चों तो बहुत सारी हमारे इंडिया की सिटीज़ हैं जो मोस्टली पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से जो साइड इफेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्योंकि हर कंट्री चाहता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब हम ग्रो करना चाहते हैं डेवलप करना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है इंडस्ट्रियल हमारा पोल्यूशन अब वो हम ज़्यादातर कहाँ देखते हैं जैसे दिल्ली है वहाँ दिखाई देता है फरीदाबाद है वहाँ दिखाई देता है गाजियाबाद है पोल्यूटेड सिटी जो है उसमें काउंट होता है पटना जैसी सिटी हो नोएडा हो मेरठ हो या मुजफ़्फ़रनगर हो ये सब सिटीज़ जो हैं वो क्या है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी लेकिन उसके लिए क्या है हमारी इकोनॉमी बहुत सारे जो है एफर्ट्स भी लेती है ताकि हमारी इकनॉमी क्या होनी चाहिए धीरे धीरे स्मार्ट सिटीज़ हो क्लीन सिटीज़ हो इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान है अब स्वच्छ भारत अभियान में हम लोग देख रहे हैं हम रिवॉर्ड भी दे रहे हैं वो रिवॉर्ड देते हैं उस सिटी को जो क्लीन सिटी हो जैसे लास्ट फाइव सिक्स इयर्स से हम देख रहे हैं इंडोर सिटी जो है वो नंबर वन रैंक पे है जो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर इंडिया में दिखाई दे रहा है सेकंड रैंक पे अगर हम देखें तो वो सूरत है जो एक काफ़ी अच्छी इकोनॉमिकली ग्रोन सिटी भी है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ है फिर भी अच्छा है यानी इतना अच्छा होने के बाद भी वो क्लीन सिटी के लेवल पे बहुत ही लेवल अचीव करे बिकॉज ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी तो ये एक रेमेडियल मेजर है थर्ड लेवल पे देखें तो वो विजयवाड़ा है पॉलिटिकली और कमर्शियल हब है उसके बावजूद भी वो एक थर्ड रैंक पे क्लीन सिटी है और उसके बाद फोर्थ रैंक में आती है नवी मुंबई वो भी हम देखते हैं इकोनॉमिकली ग्रो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ है डेवलपमेंट है बट डिस्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट के इतने सारे मेजर्स हैं उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी इकनॉमी में चेंज आ रहा है बदलाव आ रहा है यानी वी आर फोकस्ड ऑन इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेकिन उसके साथ साथ हम सस्टेनेबल ग्रोथ जो गोल्स हैं उसको भी अचीव कर रहे हैं यानी हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें इस सोच की तरफ लेके आ रहा है कि पोल्यूशन को हम रिड्यूस करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे रहा अब देखो बच्चों जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ का डेटा जो आपके बुक में भी दिया गया फोर्टीन इंडियन सिटीज़ अमंग द वर्ल्ड उसमें से अमंग द ट्वेंटी लिस्टेड टोटल ओवरऑल उन्होंने क्या लिस्ट में लिया है ट्वेंटी सिटीज़ जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है तो फोर्टीन इंडियन सिटीज़ आर अमंग द वर्ल्ड की ट्वेंटी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑन द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड की अगर बीस पॉल्यूटेड सिटीज लिया जाए तो चौदह सिटीज़ किधर आती हैं इंडिया में आती हैं इसके लिए कहा पोल्यूशन के मामले में एट प्रेजेंट भी हम देखते हैं इंडिया का रैंक क्या है बच्चों एट रैंक पे दिखाई देता है अच्छा उसमें से टॉप जो लिस्ट पे हमें सिटी दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देता है कानपुर हमें दिखाई देता है और उसका बेसिक रीज़न क्या है बच्चों वो है अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहीं कहीं पे अगर वो सिस्टमेटिकली प्लान करके हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं किया है तो इट विल रिजल्ट इन Pollution. तो वो हमें जो है वो पॉल्यूशन बहुत लेवल तक हमें दिखाई देता है अच्छा अब उसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर लेती है चलो बच्चों वो देखते हैं वन बाय वन जिसे पहला पहला हमने देखा वाटर एक्ट ऑफ 1974। 1974 में उन्होंने वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए वाटर एक्ट जो था वो हम लोगों ने पास किया इस रूल को पास करने के पीछे रीज़न क्या था क्योंकि वो चाहते थे कि जनरली एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट हो जाए फॉर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्पेशल इंडस्ट्रीज के लिए भी और जनरल के लिए दोनों साइमल्टेनियसली उन्होंने एफर्ट्स लिया कि जो वाटर पोल्यूशन है वो रिड्यूस किया जाए यानी हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा सैनिटेशन सिस्टम है जो जनरल इकोनॉमी में हम फॉलो करते हैं वो हमारे वाटर बॉडीज़ को डिस्ट्रॉड नहीं करें उनकी क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करें एंड बिसाइड विद डैट जो इंडस्ट्रियल जोन है इंडस्ट्रियल जोन में से भी जो वाटर एफ्लुएंट्स हैं वो इस तरह से डिस्पोज़ किए जाएं कि वाटर बॉडीज़ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं किए यानी उनके गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी है एंड इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस देन दे हैव टू पे सम पेनल्टीज तो इस तरह के लिए उन्होंने वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस सेट किए गए और ये शुरुआत नाइनटीन में हुई किस बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ने क्या ऑब्जर्व किया कि यूनाइटेड नेशन ने इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो 1972 में हेल्ड की उसमें कुछ गाइडलाइन सेट किए गए कि किस तरह से हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं सेम गाइडलाइन पे हमने वाटर एक्ट फॉलो किया जिसमें हम कोशिश करते हैं वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है बोथ जनरल भी कि हमारे इकोनॉमी को कैसे हमें वाटर पोल्यूशन से बचाना है और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्स टू डिस्चार्ज ऑफ वेरियस पोल्यूटेड इन द वाटर बॉडीज जो भी हमारी वाटर बॉडीज नियर बाय है चाहे वो पॉन्ड हो चाहे वो लेक हो चाहे वो रिवर हो उसमें हमें इस तरह से डिस्चार्ज करना है कि वाटर बॉडी जो है वो ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं हो कॉन्टीमेंटेड नहीं हो इट आल्सो लेस डाउन फाइंस एंड पेनल्टीज अगर हम उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं यानी हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो साइंटिफिक मैनर में हम डिस्पोज नहीं कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही हैं सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट जो है विदाउट एनी कुछ उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं जो वो सेट कर देते हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो टॉक्सिक वेस्ट जो है उन्होंने ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज कर दिया या हॉट वाटर जैसे हमने कहा पढ़ा था थर्मल पोल्यूशन है रेडियो एक्टिव है अगर ऐसे कुछ वेस्ट जो है वो ऐसे वाटर बॉडीज़ में अगर वो डिस्पोज कर देते हैं तो इट विल क्रिएट अ हैवी वाटर पोल्यूशन इन द इकानी जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है तो इसके लिए दे हैव टू पे द फाइन एंड पेनल्टी इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द नॉम्स डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट तो पहला पहला वाटर एक्ट ऑफ 1974 सेवेंटी सेकेंड उन्होंने सेट किया द एयर एक्ट ऑफ 1982 ये भी एक्ट था फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशन कि एयर पोल्यूशन जो बहुत से इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से बढ़ने लगा जैसे इकनॉमी ग्रो हो रही थी डेवलपमेंट हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन पैटर्न जो था वो काफ़ी रैपिड स्पीड से बढ़ रहा था तो ड्यू टू दैट हम देख रहे थे काफ़ी टॉक्सिक वेस्ट जो थे वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो रहे थे वो इतना हमारी इकनॉमी में डाइल्यूट नहीं हो रहा था वो हमारी इकनॉमी में डीकम्पोज नहीं हो रहा था लेकिन हमारी इकनॉमी में पोल्यूट इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि दैट एयर वॉज नॉट सेफ़ टू ब्रीथ तो इसके लिए हमारी इकोनॉमी में एयर एक्ट को फॉलो करना जरूरी था इसके लिए एयर एक्ट 1982 में फॉलो किया गया इट वाज अ कॉम्प्रीहेंसिव एक्ट स्पेशल एक्ट दैट मेक्स प्रोविजन फॉर सेटिंग अप उन्होंने सेंट्रल लेवल पे स्पेशल बोर्ड्स बनाए स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर उन्होंने स्पेशल बोर्ड अथॉरिटीज सेट की सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स दोनों का काम था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मॉनिटर करना जब भी इंडस्ट्रीज को परमिशन दी जाती है तो उस परमिशन के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि दे हैव टू मॉनिटर। उन्हें मॉनिटर करना है कि, कि किस तरह से उनका ग्रोथ हो रहा है नॉट एट कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन हद से ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए इनको पावर दिया गया कि ऐसी एरियाज़ में वो जाएंगे उनको विजिट करेंगे दे विल कलेक्ट द सैंपल्स वो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर्स करेंगे वहाँ पे वो चेक करते रहेंगे टाइम आफ्टर टाइम कि उसकी वजह से रेसिडेंशियल एरियाज अफेक्टेड तो नहीं हो रही है नॉट ओनली डैट कि वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऐसा कुछ जो है एफ्लुएंट जो है टॉक्सिक वेस्ट जो है या रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ऐसा तो नहीं वो बाहर ऐसे ही डिस्पोज कर रहे हैं प्रॉपर अ ट्रीटमेंट विदाउट ट्रीटमेंट तो इससे क्या होगा अकबर लाइफ वाटर बॉडीज़ उनका वाटर जो है वो भी कॉन्टेमनेटेड हो जाएगा वाटर पोल्यूशन होगा वो अलग एयर पोल्यूशन होगा वो अलग तो पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो तो हो रही है लेकिन इन्वायरमेंट बैडली अफेक्टेड हो रहा है और उसके साथ साथ जो ह्यूमन हेल्थ है वो भी अफेक्टेड होगा उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग वो भी बढ़ेगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट तो हम पे ही आएगा इसके लिए एयर एक्ट ऑफ 1982 ये पास किया गया यानी इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव एक्ट दैट मेक्स प्रोविजन फॉर सेटिंग अप सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड सेंट्रल लेवल पे बोर्ड स्पेशल बनाए गए और स्टेट लेवल पे सेपरेट बनाए गए इनको पावर दिया गया उन बोर्ड्स ने उन अथॉरिटीज ने पावर दिया टू एंट्री कि आप इंडस्ट्रियल जोन्स में आप इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हो वहाँ पे आप विजिट के लिए जा सकते हो वहाँ से आप सैंपल कलेक्ट करो उनको मॉनिटर करो उनको एनालिसिस करो एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस पुट द पेनल्टीज ऑन दिंग उनके ऊपर आप पेनल्टीज भी सेट कर सकते हो तो इस तरह से एयर एक्ट ऑफ 1982 को उन्होंने सेट कर दिया ओके okay बच्चों देन थर्ड आया द इन्वायरमेंट एक्ट ऑफ 1986 इसको ये भी कहा जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 याद है बच्चों आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किया है 1986 याद है सेम हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमने बनाया लेकिन ये क्यों बनाया क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई 1984 में दैट इज़ भोपाल गैस ट्रेजडी और इस भोपाल गैस ट्रेजेडी ने हमारी गवर्नमेंट को एकदम शेक कर दिया जब इस तरह से एक छोटी सी गलती की वजह से जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वे अफेक्टेड हुए जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई एक जो है एक हम लोगों ने कहा इंसिडेंट हमारी इकनॉमी में हुआ तो उसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि हमें अब अपने इन्वामेंट को बचाना है ताकि ये गलती फिर से ना हो उन्होंने बनाया द एनवाइट एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स तो दिस एक्ट वॉज पास रिजल्ट ऑफ भोपाल गैस ट्रेटी ऑफ नाइन एब इसल गवर्नमेंट उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल पावर दिया फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम For prevention, for control and abatement of environment pollution. किस तरह से हमें पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है कंट्रोल करना है पूरे देश में आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगा उन्हें कैसे वहाँ पे परमिशन देनी है जब ग्रोथ हो रहा है उनके ऊपर डायरेक्टली उनके ऊपर कंट्रोल करना प्लस उनको प्रॉपरली इंस्पेक्शन करना उनको चेक करना कि उनकी वजह से एयर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है उनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है उनकी वजह से वाटर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है या उनके जो डिस्पोज करने से कहीं सॉइल पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है ये सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके लिए हमने देखा था कि एयर एक्ट जब 1982 आया तो उन्होंने स्टेट बोर्ड्स सेपरेटली बनाए और सेंट्रल बोर्ड्स जो है वो अलग बनाए यानी हमारी इकोनॉमी में हम देखें क्योंकि नेक्स्ट वही हमारे पास आने भी वाला है सी पी सी बी एक अथॉरिटी हम करते हैं बच्चों सी पी सी बी अब ये क्या है सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लेवल पे दैट इज पॉल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड सेंट्रल लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड्स ये मेन काम रहता है ये था एनवामेंट एक्ट ऑफ 1986 इसका इफेक्ट ये आया कि हमारी इकनॉमी में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लेवल था दैट इज वी विल डिस्कस दिस पॉइंट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी में इस तरह का प्रोटेक्शन एक्ट आयानी इन्वायरमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स तो उन्होंने सेटअप कर दिया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको मैंने क्या कहा बच्चों सी पी सी बी यानि सेंट्रल अथॉरिटी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड अब इसका मेन फंक्शन बच्चों चलो पहले इस पॉइंट को भी हम देख क्योंकि रिलेटेड पॉइंट्स हैं ओके okay, बच्चों बहुत इजी है किस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए अब जो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड था ये क्या था उन्होंने एक बहुत ही सेंट्रल लेवल पे पूरे इकनॉमी में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं किस तरह से इफ़ेक्ट आते हैं उनको मॉनिटर करना और उनको प्रिवेंट और कंट्रोल करना इकनॉमी को प्रोटेक्ट करना इसके लिए उन्होंने क्या किया पहले तो उन्होंने पूरा वो सेंट्रल बोर्ड बना दिया ओके okay. अब इनका पहला पहला फंक्शन जो ये वाटर पोल्यूशन है उनको प्रिवेंट और कंट्रोल करना अब इस वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया सेंट्रल लेवल पे एक बोर्ड बना दिया अब इस सेंट्रल लेवल पे जब उन्होंने बोर्ड बना दिया तो वो वाटर की क्वालिटी को टाइम आफ्टर टाइम चेक करते जाएंगे वो मॉनिटर करते जाएंगे कि जहाँ इंडस्ट्रियल जोन है उनकी वजह से जो नियर बाय वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूटेड तो नहीं हो रही है. अब पानी दो लेवल पे होता है एक तो ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ और दूसरा बिलो ग्राउंड वाटर अब जो सरफेस वाटर है उन सरफेस वाटर का सर्वे वो कैसे करते रहेंगे वंस इन अ क्वार्टरली यानी क्वार्टरली बेसिस पे करते जाएंगे जो सरफेस वाटर है उनका क्वार्टरली विजिट करेंगे और हाफ ईयरली जो ग्राउंड वाटर है उसका भी करेंगे क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उन्होंने अननेसेसरी टॉक्सिक वेस्ट को जो है वो डिस्पोज कर दिया और वही टॉक्सिक वेस्ट जो है वो सॉयल में सीपेज की वजह से या रेनफॉल की वजह से सीपेज हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कॉन्टीमिलेड हो रहा है तो इसके लिए ग्राउंड वाटर को भी चेक करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो ये हमारी किसकी रिक्वायरमेंट थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 तो पहले उन्होंने वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का कोशिश किया ये पहला फंक्शन दैट इज सी का दूसरा फंक्शन इसका ये था कि उनको मॉनिटर करना था एयर पॉल्यूशन उन्हें एयर पॉल्यूशन को भी कम करना है देखो ये सब मिलके काम होता है बच्चों सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज मिल काम करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट ओके स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है जो हमारी लोकल अथॉरिटी सब मिल आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं इसके लिए ये सी जो है उन्होंने कहा उनके जो काफ़ी बोर्ड्स हैं वो हमारे एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं और उनका नाम क्या है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स अब नेशनल लेवल पे एयर क्वालिटी मॉनिटर करते रहते हैं यानी हर जगह ए क्यू आई एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर चेक करते रहते हैं कहीं पे भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर आपको पुअर मिला तो दे विल टेक रेमेडियल मेजर्स आप देखते हो जैसे विंटर सीजन में आप देखते हैं कि जो म्यूनसिपल्टीज़ हैं उनकी काफ़ी जो वहीकल्स हैं हर जगह वाटर स्प्रे करते रहते हैं क्यों स्प्रे करते रहते हैं ताकि वो जो पोल्यूशन है एयर क्वालिटी है जिसमें काफ़ी पोल्यूटेंट जो है वो फ्लोट हो रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी में अफेक्ट नहीं है उनमें स्मोक है या उसमें कोई पोल्यूशन है उसकी क्वालिटी इफेक्ट हुई है तो उसको वो स्प्रे करके उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं यानी एयर क्वालिटी को भी वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। उसके अलावा यही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए मैंने क्या कहा लोकल बॉडीज वो भी इनको हेल्प करती हैं अब उसमें लोकल बॉडीज़ में आती हैं म्यूनसिपलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए उनको फॉलो करना होता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट वो भी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2000, वो भी फॉलो करना है अब क्या कहता है बच्चों ये रूल ये रूल ये कहता है कि जितना भी आपका वेस्टेजेस है उसको आप प्रॉपरली सेग्रीगेट करो जैसे आजकल आप देखते हो गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग फिर उसको आप प्रॉपरली स्टोरेज करके जहाँ रिसाइकल होता है रीसाइकल करो ट्रांसपोर्टेशन करो प्रोसेसिंग करो और जो आपका डि वेस्ट डिस्पोजल है उसको प्रॉपरली आप मैनेज करो तो ये सब साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए तो थर्ड उसको जो हमारी लोकल बॉडीज़ है वो भी सपोर्ट करती हैं उसके अलावा ये और भी इनका काम रहता है कि सिर्फ़ एयर और वाटर और सॉयल को नहीं नॉइस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है क्योंकि वो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है तो जो हमारा नॉइस पोल्यूशन है उसको भी वो मॉनिटर करते हैं उसको भी रेगुलेट करते हैं ताकि नॉइस पोल्यूशन नहीं हो इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन है वो सेपरेट होता है रेसिडेंशियल एरियाज़ सेपरेट होते हैं ताकि इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज की वजह से कंटीन्यूसली या जहाँ कंस्ट्रक्शन काम होता है वहाँ पे भी हम देखते हैं हैवी नॉइज़ होता है ड्रिलिंग मशीन रहती हैं या जहाँ जनरेटर्स चलते हैं वो मशीनरी से या रैटलिंग ऑफ मशीनरीज की वजह से काफ़ी नॉइज़ होता है तो वो नॉइज़ जो है उन्हें हम कंट्रोल कर सकते ओके बच्चों तो ये है हमारा इन्वामेंट एक्ट ऑफ 1986 अच्छा नेक्स्ट आता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। अब जो ये पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में आया ये आया जब हमें पता है इंडस्ट्रियल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 में आया था जिसमें हमें तीन मंत्रास मिला एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अब इसमें हमने क्या किया इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई टू द वर्ल्ड इकोनॉमी अब हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाना है तो बट ए नेचुरल जब हम इस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री तो पोल्यूशन तो होगा अब जब पोल्यूशन होगा तो हमें क्या होगा पब्लिक लाइबिलिटी का इंश्योरेंस एक्ट हमने बनाया 1991 में ये क्या कहता है ये कहता है कि सपोज अगर उस समय इंडस्ट्रीज़ में काम करते समय कुछ टॉक्सिक मटेरियल को हैंडल करते समय अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो दे विल डील विथ दैट तो उसके लिए कुछ कॉम्पनसेशन उनको पे किया जाएगा एज़ पर द एक्ट तो ये एक्ट जो था डेट इज़ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 ये प्रोवाइड करेगा इमिजिएट रिलीफ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय द एक्सीडेंट से अगर वो अफेक्टेड हुआ अकरिंग वाइल हैंडलिंग सम हजरडियस सब्सटेंसेस अगर कभी कुछ ऐसा होता है कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं क्रैकर की इंडस्ट्रीज़ हैं माइनिंग में क्वेरीज़ में ऑयल रिफाइनरीज़ में इस तरह से जब वो काम कर रहे हैं और कुछ हार्मफुल या हजरड सब्सटेंसेस को डील करते समय प्रोडक्शन प्रोसेस करते समय अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो इमीडिएटली रिलीफ उनको दिया जाता है विथ कॉम्पन्शन के साथ तो ये है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ओके बच्चों नेक्स्ट आता है दैट इज़ एमिशन स्टैंडर्ड अब इमिशन का स्टैंडर्ड ये भी हमारी इकनॉमी में गवर्नमेंट फॉलो करती है ये भी हम किसको बच्चों हमने फॉरेन कंट्रीज़ में हमने बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको मॉनिटर किया उनको ऑब्ज़र्व किया और हमने देखा कि फॉरेन कंट्रीज़ खास करके जो व्हीकल्स हैं उनको बहुत ऑब्ज़र्व करती हैं व्हीकल्स में से आपको मालूम है हैवी जो है वो इमिशंस जो हैं वो स्मोक जो है फ्यूम बाहर निकलते हैं जो हमारे इन्वामेंट को अफेक्ट करते हैं क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है आपको मालूम है व्हीकल्स भी बढ़ते हैं चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर्स हो आप जब व्हीकल्स बढ़ेंगे तो एयर क्वालिटी भी अफेक्टेड होगी ड्यू टू एयर पोल्यूशन क्योंकि एमिशन उसमें से आएगा बाहर और उस इमिशन की वजह से एयर पोल्यूशन होगा तो इट इज़ द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी कि गवर्नमेंट ऐसे व्हीकल्स को टाइम आफ्टर टाइम चेक करती है जैसे हम अपने व्हीकल्स की पी करवाते हैं कि उसमें से ज़्यादा धुआँ तो नहीं निकल रहा है क्योंकि अगर ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो यू नो दैट हमें पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है या कभी कभी तो ऐसा भी होता है जैसे जहाँ पे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि ए क्यू आर इंडेक्स खराब हो जाता है ड्यूरिंग विंटर सीजन जैसे हमने देखा डेली है नोएडा है फरीदाबाद है गाजियाबाद बहुत ज्यादा जो है वो एयर की क्वालिटी अफेक्टेड होती है तो जब स्मोक की वजह से उनकी विजिबिलिटी लो हो जाती है तो समाइम दे वॉन्ट अलाउ समस्ट्रीज जैसे कुछ पेपर इंडस्ट्रीज हैं या कुछ हम लोग सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं अगर वहां पर उनको लगता है कि उनका टॉक्सिक वेस्ट हद से ज्यादा निकल रहा है तो फॉर फ्यू डेज के लिए उनका काम बंद किया जाता है नॉट ओनली दैट लेकिन जो व्हीकल्स हैं जो कम से कम 10-12 साल 15 साल पुराने हैं तो जितने पुराने व्हीकल्स होंगे बट नेचुरल उनकी इंजन जो है उतनी इफिशेंटली तो काम करेगी नहीं तो वहाँ से इमिशन जो लेवल होगा वो ज़्यादा होगा इसकी वजह से उनको भी वो हाईवे पे अलाउड नहीं करते हैं तो ऐसा इमिशन का स्टैंडर्ड जो वो मोस्टली यूरोपियन कंट्री से इंस्पायर्ड हो के हमारे इकोनॉमी में 2005 में उन्होंने सेट कर दिया तो इन in 2005 इंडिया एडॉप्टेड इमिशन का स्टैंडर्ड ऑफ भारत स्टेज हाँ उन्होंने भारत में ऐसा इमिशन का स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया दैट इज स्टेज फोर टू कंट्रोल वेक्युलर पोल्यूशन जो इक्वी था यूरो का फोर्थ स्टैंडर्ड लेवल यानी जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी इकनॉमी में कोशिश करती हैं कि उनकी इकनॉमी क्लीन हो ज़्यादा वहाँ पे एमिशन नहीं हो वैकुलर जितने भी व्हीकल्स उनकी कंट्री भी ज़्यादा डेवलप्ड है उनकी कंट्रीज़ में भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स यूज़ कर रही है लेकिन दे विल मोनिटर इट कि उनकी सर्विसिंग प्रॉपर हो ज़्यादा धुआं नहीं निकले एयर पोल्यूशन कम हो तो एमिशन का स्टैंडर्ड भी हमारी इकनॉमी में सेट किया जाता है नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अब ये तो भाई ज़रूरी था हमारी इकनॉमी में कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव लाना ज़रूरी था और वो बदलाव हमने कहाँ से लाया वो हमने बदलाव लाया फ्रॉम फॉरेन कंट्री क्योंकि यूनाइटेड नेशन जब एनवायरनमेंट को लेके सीरियसली बहुत से कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट करती है कि किस तरह से ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ ह्यूमन एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करता है तो उसी को हमने ऑब्जर्व करके इतने सारे रूल्स को फॉलो किया तो इट वाज वेरी नेसेसरी कि वी हैव टू ब्रिंग सम अमेंडमेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अब इसके अमेंडमेंट हम लोग देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं बच्चों कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप देखोगे तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जो था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हमने लाया है द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने लाया है जिसमें हमने दो आर्टिकल और नए ऐड कर दिए किसके लिए हमने रेस्पॉन्सिबल बनाया गवर्नमेंट को हमने गवर्नमेंट के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी किसकी की हमारी इकनॉमी के जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है उसके साथ साथ दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की भी है सिर्फ गवर्नमेंट नहीं हम भी उसका हिस्सा हैं So government and citizens both are responsible for protecting the environment. This 42nd amendment of the constitution hai, which added two articles which is making the government as well as citizens responsible for protecting the environment. क्लियर बच्चों तो हमने ये कोशिश किया कि हमारे संविधान में भी कुछ आर्टिकल्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐड कर दिए जाए तो इन in 1976 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ऐड द अमेंडमेंट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर एनवायरनमेंट हम कोशिश करेंगे हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करें और इम्प्रूव भी करें और हमेशा कोशिश करें टू तो सेफ गार्ड द पब्लिक हेल्थ सेफ गार्ड यानी टू तो प्रोटेक्ट द पब्लिक का हेल्थ और फॉरेस्ट हम फॉरेस्ट को भी बचाएं हमें अपना ग्रीन लेयर उसको भी बचाना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो और वाइल्ड लाइफ उनको भी प्रोटेक्ट करना तो ये पूरा काम किसकी वजह से होगा जब हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी जब एज अ सिटीजन अपने देश की जिम्मेदारी को हम समझेंगे हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो ये सब हम मिलके जब करेंगे तो पॉसिबल है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो अमेंडमेंट विथ टू आर्टिकल्स के साथ लाया जिसने गवर्नमेंट को और हमारी पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल बनाया फॉर प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओके बच्चों नेक्स्ट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जिसका मेन काम है हमारी इकोनॉमी के इन्वायरमेंट को बचाना तो सी पी सी बी एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट का चेंज कि अगर इकोनॉमी में चेंज आता है बदलाव आया तो क्यों आया उसे कैसे हम कर सकते हैं कम कर सकते हैं ये सब हम कोशिश करेंगे इट कंडक्ट द एनवायरमेंट का असेसमेंट और रिसर्च पूरे इकनॉमी में पूरे हमारे इंडियन इकनॉमी में किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है कहाँ पे हम इन्वायरमेंट में चेंज फॉलो कर रहे हैं कहाँ पे हमारा ग्रीन कवर जो है वो कम हो रहा है बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड हो रही है या हमारी वाइल्ड लाइफ वो अफेक्टेड हो रही है तो उसकी पूरी असेसमेंट और रिसर्च करना मेन रेस्पांसिबिलिटी इज़ द नेशनल स्टैंडर्ड अंडर वेरियस लॉ उसके लिए टाइम आफ्टर टाइम वेरियस लॉज जो है वो जो है वो सेट कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी बची रहे जैसे मैंने कहा कि इसके मेन फंक्शंस क्या हैं बच्चों? चार हम लोगों ने तो जस्ट जनरली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पहले क्या था कि हमारी इकोनॉमी में वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना अब मैंने कहा वाटर जो है वो सरफेस पे भी होता है ग्राउंड वाटर भी रहता है तो वंस ऑन क्वार्टरली बेसिस दे विल चेक एंड मोनीटर द क्वालिटी ऑफ वाटर कि कहीं पोल्यूटेड तो नहीं है कहीं पे कुछ ऐसा तो निगलिजेंस ऑफ ड्यूटी तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हम देखते हैं नेगेटिवली इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में हो रहा है और अगर ग्राउंड वाटर है तो हाफ ईयरली उसका इवेल्यूएशन होता है उसकी क्वालिटी को असिस किया जाता है सेकेंड उसके साथ साथ हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी हम चेक करते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि एयर क्वालिटी जो है वो हद से ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है जिसकी वजह से हम सराउंडिंग में उसका नेगेटिव इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साथ साथ एस सी पी सी बी को जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं यानी म्यूनसिपल्टीज़ हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो भी हेल्प करते हैं इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यानी डिस्पोज कैसे करें उसमें उनको हेल्प करते हैं कैसे सेग्रीगेशन करना है कैसे पहले कलेक्ट करना है फिर सेग्रीगेट करना है या स्टोरेज करना है या ट्रांसपोर्टेशन करना है या प्रोसेस करना है या डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट करना तो कम्प्लीट इन सब की जिम्मेदारी होती है लेकिन लास्ट uh, हमने ये भी देखा ये मॉनिटर करता है प्लस रेगुलेट करता है प्लस कंट्रोल करता है नॉइस पोल्यूशन क्योंकि वो भी हमारे इकोनॉमी में बहुत डेंजरस जो है वो रिजल्ट जो है वो क्रिएट करता है तो ये सब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एटी सिक्स ओके बच्चा नेक्स्ट है क्लीन टेक्नोलॉजी स्कीम अब देखो आजकल इकोनॉमी में हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो लेकिन विथ इनोवेटिव एडवांस सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी हम एडवांस यूज करते हैं उसमें हम देखते हैं दे आर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ऑलवेज रिलीज करते हैं लेस जो है वो टॉक्सिक मटीरियल टॉक्सिक मटेरियल वो ज़्यादा नहीं वो ज़्यादातर अगर सपोज रिलीज होता भी है तो नॉन टॉक्सिक मटेरियल होता है जैसे हमारी इकनॉमी में पोल्यूशन नहीं होता प्लस नॉइज़ भी बहुत मिनिमम होता।, होता है प्लस रॉ मटेरियल भी कम यूज़ होता है एनर्ज भी बहुत मिनिमम यूज़ होती है तो फ़ायदा ही फ़ायदा तो इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इसमें स्पेशली क्लीन टेक्नोलॉजी स्कीम जो है वो हम यूज़ करते हैं इसमें गवर्नमेंट क्या करती है इसको मोटिवेट करने के लिए प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत से प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट करती है बाय गिविंग देम ग्रांट्स उन्हें जो है वो रिवार्ड देती है टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो जितना ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करेगा उन्हें सब्सिडीज़ भी दी जाएगी उनको बहुत फंडिंग यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है जो इंडस्ट्रीज इनोवेटिव क्लीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा यानी इससे क्या होगा हमारी का इकोनॉमी पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा प्लस उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई उसमें मिनिमम यूज़ ऑफ़ रॉ मटेरियल भी हुआ एनर्जी भी कम यूज़ हुई अब इसमें स्पेशली हम देखते हैं जैसे सोलर एनर्जी जिसने यूज़ किया विंड एनर्जी जिसने यूज़ किया इस तरह की लेटेस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी से जो पॉल्यूशन है वो हमेशा कम होता है तो क्लीन टेक्नोलॉजी स्कीम इसमें गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का असिस्टेंस वो भी प्रोवाइड करती है लेकिन ग्रांट भी प्रोवाइड करती है टू ऑल द डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हु हैव डेवलप्ड द इनोवेटिव क्लीन टेक्नोलॉजिकल स्कीम ओके okay, बच्चों तो जो लोग इस तरह की विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं सोलार एनर्जीज को यूज़ करते हैं गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है पैसा देती है ग्रांट देती है सब्सिडीज़ देती है तो इससे फायदा है ओके okay, बच्चों तो क्लीन टेक्नोलॉजी तो पोल्यूशन कम हुआ हो। नेक्स्ट होता है नाइन्थ है एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड मैपिंग अब बच्चों ये जो रहता है एनवायरमेंट का स्टैटिस्टिक्स और मैपिंग ये क्या है अब हमें अपनी इकोनॉमी में पोल्यूशन को कंट्रोल करना है अब पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो एनवायरमेंट का स्टैटिस्टिक डेटा को कलेक्ट करने के लिए सम इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया है जो स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करती हैं जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे वो फाइंड आउट करती हैं कि वहाँ के सराउंडिंग में एयर पोल्यूशन कितना है वाटर पोल्यूशन कितना है और अगर है तो हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ये पूरा काम एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स और मैपिंग का होता है क्योंकि फॉर द साउंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट एक रिलायबल इंफॉर्मेशन बेस हमें ज़रूर चाहिए एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मैपिंग हमें ज़रूरी चाहिए बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि वही ध्यान देगा स्पेशल अटेंशन देगा फॉर कंट्रोलिंग द पोल्यूशन चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो चाहे वो सॉयल हो चाहे वो थर्मल हो चाहे नॉइज पोल्यूशन तो एक हमें बेस चाहिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए इसके लिए फॉर स्टडीज फॉलोइंग स्टडीज आर इनिशिएटेड बाय सम इंस्टीट्यूशन जैसे जियो केमिकल बेस लाइन मैपिंग ऑफ द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट वो और वो उसके लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे हैदराबाद में हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किया नाम क्या था बच्चों नेशनल जियो फ़िज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद का नेशनल जियो फिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद ये क्या करेगा हमारी इकोनॉमी में जितने भी जियो बेसलाइन मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करेंगे अगर उसकी वजह से प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हम लोग इनोवेटिव आइडियाज़ ऐड कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम हो तो दे विल सजेस्ट अगर हम लोग उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं चेंज ला सकते हैं जिससे पोल्यूशन अफेक्टेड होगा तो वी कैन डू इट तो ये सब आपका कौन करता है नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद जिसका मेन काम यही होता है कि जैसे पेपर इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं ऑयल रिफाइनरीज़ हैं पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहीं पे हम जनरली देखते हैं काफ़ी जो केमिकल वेस्ट होता है वो दिखाई देता है अब केमिकल वेस्ट को हमें रोकना है जिसकी वजह से एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन दिखाई देता है तो दे आर ट्राई टू कंट्रोल इट वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो स्पेशली जो ये इनिशिएटिव्स हैं कौन लेता है एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स और मैपिंग के थ्रू उनका पूरा एफर्ट जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशन को हैंड ओवर किया जाता है दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हो बट नॉट ऐट द कास्ट ऑफ पॉल्यूशन पोल्यूशन को हम मिनिमाइज करें अच्छा इनके काफ़ी कोशिश ये रहता है कि दे विल प्रोवाइड द आइडिया ऑफ इनोवेटिव क्लीन टेक्नोलॉजी यानि वो हर एक इंडस्ट्री में कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी ताकि पॉल्यूशन जैसा साइड इफेक्ट नेगेटिव प्रोडक्ट कम हो ओके बच्चे नेक्स्ट है और एक नया मेथड दैट इज एल सी एल सी ए यानी लाइफ साइकिल असेसमेंट अब देखा जाए तो ये भी काम जो है वो हमारे इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स और मैपिंग ही करती है ये होता क्या लाइफ साइकल असेसमेंट जो है ये एक क्या है लाइफ साइकिल असेसमेंट एक डिसीशन होता है यानी इट इज अ डिसीजन कम मैनेजमेंट टूल ये एक डिसीशन भी है और उसको मैनेज भी करना है दोनों साथ साइड यानी दोनों मैंने क्या कहा इट्स अ डिसीजन कम मैनेजमेंट डिसीजन के साथ साथ उसको मैनेज भी करना है टूल विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग यानी जो भी हम अपने इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं तो उसमें हमारी इकनॉमी में क्या इफेक्ट हो रहा है उसका लाइफ सर्कल कितना है कितनी देर तक उसका इफेक्ट रहेगा कब वो हमारी इकनॉमी में डिकम्पोज होगा कब उसका हमारी इकनॉमी में जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म होगा किस तरह के इफेक्ट वो लेके आएगा जब हम हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं ना असिस्ट करते हैं ना तो वो है लाइफ साइकिल असमेंट हम इवेल्यूट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री की वजह से अब यहाँ पर अगर पेपर इंडस्ट्री खोला तो उस पेपर इंडस्ट्री की वजह से क्या क्या हो सकता है उसकी वजह से जब हमारी इकोनॉमी में वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन पे क्या इफेक्ट आएगा एयर पोल्यूशन पे क्या इफेक्ट आएगा वॉट एवर दे विल डिस्चार्ज द केमिकल एफ्स फ्रॉम देयर इंडस्ट्री उसकी वजह से क्या आएगा कंप्लीट इवेल्यूशन एंड असेसमेंट पूरा लाइफ साइकिल तो ये क्या है इट्स अ डिसीशन कम मैनेज उसको मैनेज भी करना है कंट्रोल भी करना है टूल विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इनवामेंट का अफेक्ट्स ऑन वेरियस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस जब हम एल सी एनि लाइफ साइकिल असमेंट की बच्चों हम बात करते हैं इट स्टडीज़ जो है वो किस पे दिखाते हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, या पेपर पल्प इंडस्ट्री जहाँ पे है आयरन स्टील इंडस्ट्री जहाँ पे है सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पर है ऐसी इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज जहाँ पे हैं तो उनके लाइफ साइकिल की वजह से क्या पोल्यूशन क्रिएट होगा किस तरह से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली मैंने क्या कहा डिसीजन भी है मैनेज भी करना है यानी हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना भी है लेकिन उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इफ़ेक्ट है उनको रिड्यूस भी करना है कम भी करना है और उसका बेस्ट सोल्यूशन है क्लीन टेक्नोलॉजी आप उनको क्लीन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे दो ताकि उनका इफेक्ट जो है वो कम हो जाए नेक्स्ट आता है हज़रडेस लास्ट पॉइंट जो आती है दैट इज हजरडेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन अब हजरडेस यानी जब भी हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम लोग इकोनॉमी में देखते हैं तो बटे नेचल उनकी काफ़ी हजरडियस वेस्ट जो है वो कहीं कही ना कहीं हमारे इकोनॉमी में थ्रो होते हैं जिनको मैनेज करना बहुत जरूरी है तो हज़रडेस वेस्ट क्या है ये एक बाय प्रोडक्ट है क्यों क्योंकि हम इंडस्ट्रियल ग्रो कर रहे हैं जब इंडस्ट्रीज बढ़ती जाएगी तो बट नेचुरल इंडस्ट्रियल वेस्ट भी तो बढ़ेगा ना बच्चों तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट में काफ़ी चीज़ें हजर टॉक्सिक होती हैं जो उनके बाय प्रोडक्ट होती हैं ड्यू टू तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज से निकला हुआ कचरा भी बढ़ेगा उसके बहुत सारे वेस्टेजेस भी बढ़ेंगे तो उन्हीं की वजह से फिर पॉल्यूशन का इफेक्ट भी बढ़ेगा तो हमें वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा दैट इज़ बाई हमने कहा हजर्डियस वेस्ट दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट विल कॉज अ डैमेज टू अवर इकोनॉमी थ्रू पॉल्यूशन वो हमारे हेल्थ पे वो हमारे इन्वामेंट पे अफेक्ट करेगा बहुत सारे पॉल्यूशन जो हम पूरे चैप्टर में करते हैं एयर का पॉल्यूशन वाटर का पॉल्यूशन ये पॉल्यूशन जो है हमें रोकना है इसके लिए वेरियस रेजुस्लेशन्स यानि रूल्स जो हैं वो हमारी इकनॉमी में गवर्नमेंट बनाती आई है जो हमने इतने सारे रूल्स हमने डिस्कस किए और जिसके लिए हमने कहा कि ये पूरा वाटर एक्ट 1974 हमने एयर एक्ट ऑफ 1982 या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 या पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 या पीसीबी पीसीबी हमने बोर्ड पढ़ा दैट इज सी बोर्ड जो है वो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम बदलाव लेके आए ये सब बदलाव हम लेके आए लेकिन उसके साथ साथ कुछ और देखते हैं कि हजरडियस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रेगुलेशन में हमने जनरली ऑब्जर्व किया है पहला पहला म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स ऑफ 2000 ये इनका फंक्शन भी है क्योंकि हमारे सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड उनके साथ साथ लोकल बॉडीज का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है क्योंकि जब वो कचरा कलेक्ट करते हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं स्टोरेज करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं डिस्पोज करते हैं तो ये सब क्या होना चाहिए बच्चों साइंटिफिक होना चाहिए आजकल आप देखते हो हर जगह आपकी म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है आपसे वो आपके दरवाजे पे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है कि यू कीप योर कचरा एन योर डस्टबिन और जब मॉर्निंग में वो गाड़ी आती है तो आप कचरा उनमें दे दो इसके लिए दे विल ट्राई टू तो टेक देग 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 द सपोर्ट ऑफ सम म्यूजिकल सॉन्ग्स ऑल्सो कि गाड़ी वाला आया कचरा निकालो यू नो दैट दैट यू हैव टू प्रोवाइड इट तो ये सब क्या है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स वो रूल्स फॉलो करते हैं ताकि वो आपको मोटिवेट करें स्वच्छ भारत अभियान को वो फॉलो करें और हमारी इकोनॉमी को हम क्या बनाएं क्लीन सिटी हम ग्रो भी करें हमारी इकोनॉमी कमर्शियल हब भी हो इंडस्ट्रियल हब भी हो पॉलिटिकल हब भी हो लेकिन उसके साथ नीट क्लीन हमारे सिटीज हो तो इसके लिए हमारे सॉलिड वेस्ट को हम साइंटिफिकली डिस्पोज करें इसके लिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स ऑफ 2000 ओके बच्चों नेक्स्ट जो रहता है हज़र वेस्ट रूल्स ऑफ 2008 अब हज़रडियर्स वेस्ट जब आपके इंडस्ट्रीज में से कुछ ऐसे हजरडियस यानी डेंजरस अगर कुछ टॉक्सिक मटेरियल आप बाहर फेंकते हो तो इट शुड बी थ्रोन बट बिफोर ट्रीटिंग इट प्रॉपरली यानी वो गाइड करता है मैन्युफैक्चर को कि अगर आप ऐसा कोई कचरा वाटर बॉडीज़ में थ्रो कर रहे हो या किसी लैंड में डिपॉजिट कर रहे हो तो नॉट बिफोर ट्रीटिंग इट यानी आप उसको पहले प्रॉपरली ट्रीट करो उसके टॉक्सिक मटेरियल्स को रिड्यूस करो सो दैट सॉयल पोल्यूशन कम हो वाटर पोल्यूशन कम हो और अगर सपोज अगर हम इम्पोर्ट भी करते हैं कुछ मटेरियल या एक्सपोर्ट भी करते हैं तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते समय जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कमाने के चक्कर में वाटर का पोल्यूशन ज़्यादा करें एयर का पोल्यूशन करें नो आपको हर गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करना है यानी आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हज़रडेस वेस्ट को देना है थर्ड दैट इज़ बायो केमिकल वेस्ट रूल ऑफ 1998 ये भी आपको सेम गाइडलाइंस देता है सेम हाँ कोई भी हो चाहे वो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स हो चाहे वो हजरडियस वेस्ट रूल्स हो चाहे वो बायोकेमिकल वेस्ट रूल्स हो यहाँ पर भी वो यही आपको गाइडलाइंस देता है हर मैन्युफैक्चरर्स को वो गाइड करता है कि आप जो भी टॉक्सिक आपका जो भी वेस्ट है वो आप बाहर थ्रो करने से पहले प्रॉपरली उसको ट्रीट करो जो कचरा है प्रॉपरली सेग्रीगेट करो ट्रांसपोर्ट उसको प्रॉपरली करो ताकि उसका कोई इन्फेक्शस जो इफेक्ट है वो वाटर बॉडीज़ पे नहीं होना चाहिए और एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए तो इस तरह से ओवरऑल ये सब एफर्ट्स जो हैं वो बच्चों लिए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ओके बच्चों अब ये क्वेश्चन इस चैप्टर से जब आता है तो हमने कितने पॉइंट किया बच्चों ग्यारह पॉइंट मैंने नोट्स में भी ये सेम ग्यारह पॉइंट्स दिया है लेकिन आपको लिखना है एनी सेवेंट एट पॉइंट्स ओके बच्चों जो आपको इजी लगे वो सेवन टू एट पॉइंट्स आप इजीली जो भी लर्न हो आप लिख सकते हो ओके बच्चों सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रेटेन नोट्स द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू